गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर अ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज फ्रॉम वर्कबुक। इफ़ यू हैव अ वर्कबुक यू कैन ओपन एंड डू द एक्सरसाइज विद मी। आपको क्या करना है, अगर आपके पास वर्कबुक है तो आप जो है वर्कबुक में जो एक्सरसाइज होती है उसको आप मेरे साथ करो, ठीक है, करना है। अगर आपको देखिए, अगर आप वर्कबुक मेरे साथ खोल के बैठ जाते हो फटाफट जो है, अगर आप इसको मेरे साथ करोगे ना तो आपको जल्दी आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले अपना आपको पहले मिट्टू एंड द येलो मैंगो इसकी स्टोरी तो पता है ना। इस स्टोरी में क्या था कि एक जो है पैरोट था और वो जो है उड़ रहा था। उसने क्या देखा, एक येलो मैंगो देखा और उसे मैंगो बहुत पसंद था, तो वो मैंगो को लेने के लिए नीचे उतरा तो एक क्रो था, उसने क्या बोला, काँव काँव, दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा ट्री है। और जो है उसकी आवाज़ सुनकर जो तोता था यानी कि जो पैरोट था वो क्या हो गया था, अफ्रेड हो गया था, मीन्स डर गया था। फिर क्या हुआ था, फिर यस, तोते को जो है एक प्लान सूझा। उसने देखा कि एक रेड कलर का बलून है और वो क्या करता है, उसी पेड़ के पास जाता है जिसमें क्रो बैठा था और जो है उसके पीछे जाके छुप जाता है और क्या करता है, अपनी बीक से यानी कि अपनी चोंच से क्या करता है, उसको बस्ट कर देता है यानी कि फोड़ देता है। फिर जो उसकी साउंड होती है बस्ट होने की, जो आपको पता है ना बलून जब फूटता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, और वो उसकी आवाज़ सुन के जो क्रो होता है वो क्या हो जाता है, डर जाता है और वो वहाँ से क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और जो हमारा पैरोट था उसको तो मज़ा आ गया, उसको तो मैंगो खाने को मिल गया, है ना। तो ये हमारी स्टोरी थी, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ एंड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट। मिट्ठू वॉज मीन्स होता है था, WAS इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉज, क्या बोलते हैं, वॉज। मिट्ठू वॉज अ, मिट्ठू एक था, क्या था, तोता। मिट्ठू क्या था, एक तोता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पैरोट, PARROT, पैरोट। मिट्ठू वॉज अ पैरोट। मिट्ठू हैड अ रेड एप्पल बलून मैंगो। मिट्ठू की जो होती है वो जो रेड कलर की क्या होता है, मिट्ठू के पास एक रेड कलर की चीज़ क्या होती है, यस, बीक, क्या होती है, बीक, BEAK, बीक। बीक मीन्स होता है चोंच, जो मिट्ठू की ऐसी चोंच होती है ना उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीक। मिट्ठू वॉज इन कलर, मिट्ठू कौन से कलर का होता है, यस, ये आप सभी को पता है, ग्रीन। मिट्ठू लव्ड टू सिंग, टॉक, ईट या फ्लाई। व्हाट डिड मिट्ठू सी ऑन अ ट्री, मिट्ठू जो है मिट्ठू ने पेड़ पर क्या देखा, तो आंसर विल बी बिग येल्लो मैंगो। उसने क्या देखा था, एक जो है येल्लो कलर का मैंगो देखा था। व्हाट डिड मिट्ठू लाइक, मिट्ठू को क्या पसंद था, मिट्ठू को मैंगोज पसंद थे, है ना, उसे मैंगोज खाना बहुत पसंद था, तो मिट्ठू को क्या पसंद था, मैंगोज। व्हाट डिड द क्रो से टू मिट्ठू, से माने होता है कहना, यानी कि जब हम कोई बात अपनी किसी से कहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कहना। व्हाट डिड द क्रो से टू मिट्ठू, मिट्ठू ने क्रो से क्या कहा था, क्या कहा था, गो अवे, क्या कहा था, GOGO AWAY, अवे, दिस इज़ माई ट्री, उसने क्या था, यहाँ से भाग जाओ यानी कि यहाँ से चले जाओ, दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा पेड़ है। हु हैड अ लाउड वॉइस, जो वॉइस थी, लाउड मीन्स होता है बहुत तेज, वॉइस मीन्स होता है आवाज़, तो हु हैड अ लाउड वॉइस, किसकी आवाज़ तेज थी, तो आंसर विल बी CROW, क्रो, क्रो की आवाज़ तेज थी। वाई डिड मिट्ठू फ्लाई अवे, मिट्ठू वहाँ से क्यों उड़ गया था, वाई डिड मिट्ठू फ्लाई अवे, ही डिड नॉट लाइक मैंगो, क्या उसे मैंगो नहीं पसंद थे, नहीं उसे मैंगो तो बहुत पसंद थे। ही वॉज एंग्री, उसे गुस्सा हो गया था, ऐसा भी नहीं था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, यस, वो क्यों भाग गया था, क्योंकि वो क्रो से डर गया था। वॉट डिड मिट्ठू सी अंडर अ ट्री, मिट्ठू ने पेड़ के नीचे क्या देखा, क्या देखा, ए रेड बलून, अंडर मीन्स होता है नीचे, पेड़ के नीचे क्या देखा, तो रेड बलून, रेड कलर का बैलून देखा। वेयर वॉज द रेड बलून, बलून कहाँ था, उसने जो वेयर वॉज द रेड बलून,
इन द ट्री, अंडर द ट्री या अप द ट्री? तो आंसर विल बी अंडर द ट्री. बलून कहाँ था? पेड़ के नीचे. व्हाट डिड मिट्टू पिकअप? मिट्टू ने क्या चीज़ पिकअप माने होता है उठा लेना, ठीक है. तो मिट्टू ने क्या चीज़ उठाया था? तो मिट्टू ने द रेड बलून, मिट्टू ने वहाँ से पेड़ के नीचे से रेड कलर का जो बलून था उसको उठा लिया था. वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? जो क्रो था वो कहाँ बैठा था? तो अब द ट्री, पेड़ के ऊपर. कहाँ बैठा था? पेड़ के ऊपर. मिट्टू वेंट द ट्री. तो जो मिट्टू था वो कहाँ जाके छुपा था? तो बिहाइंड द ट्री, यानी कि पेड़ के पीछे. बिहाइंड मीन्स होता है पीछे. व्हाट डिड मिट्टू डू विद द बलून? मिट्टू ने जो है बलून के साथ क्या किया? क्या किया? ही गेव इट टू द क्रो. उसने क्या क्रो को दे दिया था? नहीं. ही ड्रॉप्ड इट डाउन, ही बर्स्ट इट या ही प्लेड विथ इट? वो क्या कर रहा था? उसने बलून के साथ क्या किया? ही बर्स्ट इट. उसने उसको क्या किया? फोड़ दिया था, तोड़ दिया था. यानी कि बस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को फोड़ देना, ठीक है. जैसे बबल्स होते हैं, बलून्स होते हैं, ऐसा. हाउ डिड मिट्टू बर्स्ट द बलून? हाउ डिड मिट्टू बर्स्ट द बलून? जो मिट्टू ने बलून को कैसे फोड़ा था? किसे फोड़ा था उसने? अपने लेग्स से या ट्विक से, या ही बर्स्ट इट विथ हिज विंग्स, विंग से, या ही पिक इट विथ हिज बीक. किससे तोड़ा था उसने? उसको बीक से. किसने फोड़ दिया था? बीक से, अपनी चोट से उसने बलून को फोड़ा था. ओके. हु फेल ऑफ द ट्री? फेल मीन्स होता है गिरना. ओके. फेल मीन्स क्या होता है? गिरना. हु फेल ऑफ द ट्री? पेड़ के जो पेड़ पर से कौन गिर गया? तो आंसर विल बी क्रो. क्रो गिर गया था ना पेड़ के नीचे से. पेड़ के जो पेड़ के ऊपर बैठा था वो, उसने जो बलून की आवाज़ सुनी तो वो पेड़ के नीचे गिर गया. व्हाट हैपेंड टू द क्रो व्हेन मिट्टू बर्स्ट द बलून? व्हाट हैपेंड टू द क्रो? क्रो के साथ ऐसा क्या हुआ व्हेन मिट्टू बर्स्ट द बलून? जब मिट्टू ने बलून को फोड़ा तो क्रो के साथ क्या हुआ? यस, क्या हुआ? ही फेल ऑफ द ट्री. वो पेड़ से गिर गया. व्हाई वॉज मिट्टू हैप्पी? मिट्टू क्यों खुश हुआ? क्योंकि द क्रो फ्लू अवे, ही एट द मैंगो, ही गॉट अ रेड बलून या ही बर्स्ट द बलून. आप क्यों खुश हुआ वो? क्योंकि द क्रो फ्लू अवे, क्रो जो है उड़ गया था, है ना. मिट्टू वॉज अ डैश पैरोट. मिट्टू जो है कैसा जो पैरोट था? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लेवर. देखिए इसमें जो आंसर है व्हाई वॉज मिट्टू हैप्पी, इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग द स्टोरी. ही एट द मैंगो, उसको मैंगो खाने को मिल गया था इसलिए भी वो खुश हो सकता है. और द क्रो फ्लू अवे, क्रो उड़ गया था वो इसलिए भी खुश हो सकता है ना. आपको यहाँ पे लगाइएगा ही एट द मैंगो, क्योंकि उसे मैंगो खाने को मिल गया था, उसने मैंगो को खा लिया था इसलिए वो क्या हो गया था? खुश हो गया था, ठीक है. तो ये हमारी देखिए आंसर हो गए हैं MCQ. लुक, लिसन एंड रिपीट. आपको ये तो देखिए आ ही जाएगा. इसमें क्या करना है आपको, जो इसकी पिक्चर्स हैं, जैसे ये पिकॉक लिखा है, ये पैरोट लिखा है. तो देखिए ये पैरोट है ना, हैन, पिकॉक एंड क्रो. ओके. इसकी पिक्चर से आपको आइडेंटिफाई करने हैं बर्ड्स, फिर उसकी स्पेलिंग आपको आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसमें टिक लगाना है. सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है. लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. ये देखिए इसमें का लुक एट द पिक्चर. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इन चीज़ का मतलब भी पता होना चाहिए ना. तो देखिए लिखा है इसमें ऑन एंड अंडर. ऑन मीन्स होता है ऊपर, अंडर मीन्स होता है नीचे. तो इसमें पूछ रहा है द रेड इज ऑन द टेबल या अंडर द टेबल? तो आंसर विल बी अंडर द टेबल, क्योंकि वो पेड़ के कहाँ है, सॉरी वो मेज के नीचे. देखो आपको स्टोरी पेड़ 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 पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से पेड़ ही पेड़ निकल रहा है, ठीक है. द कैट इज अंडर ऑन द बेंच. अब देखिए ये जो हमारी जो कैट है, ठीक है, ये जो बेंच के ऊपर है कि नीचे है? तो आपको पता है ये ऊपर है, तो इसमें क्या आएगा आंसर हमारा? ऑन, ऑन द बेंच. द रैबिट इज बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ द ट्री. बिहाइंड मीन्स होता है पीछे,
इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। तो देखिए जो हमारा जो रैबिट है वो पेड़ के पीछे नहीं है, पेड़ के सामने है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ द ट्री। ठीक है, द जोकर इज बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ द बॉल। अब देखिए जो हमारा जोकर है वो बॉल के कहाँ है, पीछे है, तो आंसर विल बी बिहाइंड। द डॉग इज गोइंग अप डाउन द स्टेप्स। अब देखिए डॉग को अगर आप देखिए तो वो क्या कर रहा है, अप डाउन द अप यानी कि ऊपर और डाउन मीन्स नीचे, तो आंसर विल बी अप, क्योंकि वो डॉग जो है देखिए ऊपर जा रहा है न्यूज़पेपर लेके। द डॉग इज गोइंग अप डाउन द स्टेप। अब देखिए स्टेप्स से वो नीचे उतर रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा जो है डाउन डाउन द स्टेप्स। देखिए स्टेयर्स लगी हुई है, इसके स्टेयर्स पर से क्या कर रहा है, ये नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से, ऑन मीन्स ऊपर, बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, अंडर मीन्स नीचे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए ई आई ओ और यू, रीड द वर्ड्स अलाउड। आपको इसमें देखिए ई ए ई आई ओ यू जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो आपको इसमें फिल करने हैं। ये मैंने आपको कई बार कराया है, आई होप आपको अब आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे सी ए टी कैट, डब्ल्यू ई टी वैट, बी ओ वाई बॉय, के आई डी किट, एच आई टी हेड, डी ओ जी डॉग, है ना। सी आप जो इसमें अब सी यू बी कब लिख सकते हो ना, और एस आई टी सेट, टी ई एन टेन, आर ई डी रेड, जी यू एन गन, एफ ओ एक्स फॉक्स, डी ई एन डेन, एन ई टी नेट, एल ओ जी लॉग, एल ई जी लैग, है ना, बी यू एन बर्न। आपको इसमें फिल करना है कि ए ई ए ई आई ओ और यू कहाँ पर हमें फिल करना है। काउंट एंड राइट, डू इट योर सेल्फ, गो टू द नेक्स्ट पेज। आपको इसमें काउंटिंग करके इसके नंबर्स लिखने हैं, ये तो आप कर लोगे, है ना। डू इट योर सेल्फ, इट इज़ होमवर्क। ठीक है, तो देखिए आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है, आपको इसके एमसीक्यू जो हैं वो आप वर्कबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लिखने के लिए थोड़े परेशानी भी हो सकती है। और जो हमारे ए ई आई ओ और यू वाले वर्ड्स हैं वो आप नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, काउंट एंड राइट भी आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अब जो हमारा ये जो चैप्टर था वर्कबुक में, टेक्स्ट बुक में, दोनों में कंप्लीट हो गया है ना। तो देखिए आपके सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह भी इसमें, जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ये हमारे जो है एमसीक्यू से रिलेटेड होते हैं, तो मैं उसको आप क्वेश्चन आंसर की तरह भी दूँ तो आप ऐसा मत परेशान हो जाइए। अरे जैसे इसे मिट्ठू वॉज अ पैरॉट, मिट्ठू वॉज अ पैरॉट, तो मैं आपसे लिख दूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैरॉट, तो आप लिख सकते हो मिट्ठू, है ना। चलिए, आई होप आपको ये एक्सरसाइज वर्कबुक की पूरी क्लियर हो गई होगी। टुडे इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर सराउंडिंग क्लीन विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू बैकअप।